कोलगेट, अरे अभी सही बोला मैं, कोलगेट बीच, पेप्सोडेंट कोलगेट, कोलगेट जो भी ब्रिज है, बीच है, ब्रिज बोल रहा हूँ। सो हेलो गाइस टू वन मोर अमेजिंग व्लॉग। तो थोड़ा सेटअप चेंज हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि हम निकले हैं कार में। तो हमारे साथ है ड्राइवर्स क्रॉनिकल व्हीलर्स ऑन द गो और शुभम द फोटोग्राफर। तो तीन यूट्यूबर्स, एक फोटोग्राफर, एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। वो डेस्टिनेशन इतनी मस्त है, तो उसके तरफ जो हम बढ़ रहे हैं डेस्टिनेशन, वो थोड़ी खास है। वो इसलिए खास है कि देख सकते हो वाइब्स जो आ रही है ना, अभी से हम लोग गॉगल्स वॉगल्स डाल के पूरा वाइब्स में है। तो जो वाइब्स वाली जगह है, दैट इज गोवा, वन एंड ओनली प्लेस। तो सडन प्लान जो बोलते हैं ना, मैं अभी जस्ट आया चेन्नई से और एक दिन रेस्ट लिया, अभी हम निकल गए गोवा के लिए। तो अभी जो है हम चारों जा रहे हैं गोवा पे। अभी तो बहुत सारा, अभी तो हम जस्ट निकले हैदराबाद से, अभी तो घाट्स ये वो बहुत सारी चीजें हैं। तो एक छोटा सा अपडेट डाला है, क्योंकि इसके बाद कैसे है ना, पूरा हाईवे है और उसके बाद हम लोग रात को हॉल्ट लेंगे, उसके बाद कल सुबह करेंगे घाट्स, जो मस्त मस्त व्यू रहेगा। व्लॉग को आगे देखते रहिए और देखिए क्या मस्त मस्त से व्यूज आएंगे, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। तो हमारी जो कल की जर्नी जो हमने शुरू की थी, पीछे देख सकते हो हमारी कार है, मिडल ऑफ द खेत हम लोग रुक गए हैं। सुबह हो रही है अभी और आंखों में धूप अभी से लग रही है, मस्त लग रहा है सुबह सुबह का फील। बीच में हम लोग गाड़ी में सो गए बोलते, मैंने ऑलमोस्ट ट्राई किया कि रात भर ड्राइव किया सुबह तक, फिर सुबह मैं सो गया। जस्ट अभी ये लोकेशन पे उठे हैं, अब अपना दिन शुरू कर रहे हैं। और व्यूज़ तो आसपास के अच्छे हैं, बड़ा मस्त लग रहा है। बस छोटा सा ये अपडेट था, अभी तो गोवा पहुंचना है, बहुत मस्त मस्त और बड़े बड़े अपडेट्स बाकी है। तो फाइनली आफ्टर द लॉन्ग जर्नी वी आर इन गोवा। तो अभी अपने रिजॉर्ट पे हम लोग वेट कर रहे हैं रूम अलॉटमेंट का, तो डाइनिंग हॉल में है। तो चंदन शुभम साथ में है अभी, बाकी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह चेक इन का पूरा करें ताकि रूम अलॉट हो। तो हम लोग आए डाइनिंग एरिया पे बैठे आराम से, फिर अभी तो दिन शुरुआत हुआ है, मतलब शुरुआत आफ्टरनून हो गई आते आते इवनिंग हाँ 4 बज गए ना, इवनिंग ही हो गई है, निकलते निकलते इवनिंग ही हो जाएगा। तो अभी फ्रेश व्रेश होके निकलेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं गोवा डायरी और हम चारों की मस्ती। 24 आवर्स ऑलमोस्ट, कल 4 या 5 बजे निकले थे, ऑलमोस्ट हम पहुंचे हैं ये 4 बजे, ऑलमोस्ट 23 आवर्स ट्रिप, बट नॉट लगातार, ब्रेक बहुत ज़्यादा लिया गया बिकॉज थोड़े कॉल्स मीटिंग ये सब के चलते, बट सो फार एवरीथिंग इज़ गुड। तो मिलते हैं फ्रेश व्रेश होके, फिर मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग अपने रूम में आ चुके हैं एंड रूम इज़ प्रीटी ब्यूटीफुल, बैकग्राउंड देख सकते हो एंड बालकनी। तो एक अच्छा सा रूम का व्यू दिखाता हूँ, तो रूम इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कम्फर्ट एंड कोजी और बीच के बहुत पास है। ये कुछ रूम है अपना, सिंपल सा क्लासिक रूम, नॉर्मल जैसा रहता है अपना, डोर मिरर ये वॉशरूम। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दिस, हमको एक बालकनी मिली है एंड दिस इज़ द अमेजिंग व्यू। वो देखो सुबह सुबह समुंदर दिख रहा है गोवा का, प्रिटी, यहाँ से एकदम पास से समुंदर दिख रहा है। तो सुबह सुबह बहुत मस्त लगे और जो हवा है ना, लिटरली बहुत ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे मस्त। तो वही अभी बोलता ना, फ्रेश व्रेश होते हैं, चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं। अभी तो जस्ट पहुँचे हैं गोवा में, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और ये मैं हूँ। तो
अभी हम लोग जो शॉपिंग करने बोला था कोलगेट बीच जो है सब भर चुके हैं अपना, क्योंकि हम इतने भूखे थे कि हमने खाने पे टूट पड़े हम। एक होता तो फाइनली हम लोग को कार पार्किंग मिल गई और हम है कालिंगट कार कोलगेट जो भी ब्रिज है बीच है ब्रिज बोल रहा हूँ लिए। तो अपनी कार को पार्क लगा के पब्लिक पार्किंग में यहाँ पे पार्किंग तो वहाँ से चल रहे हैं टूवर्ड्स द लोकल मार्केट और हम लोग वॉक कर रहे हैं गोवा की स्ट्रीट्स पे एंड है वो आने के लिए थोड़ी शॉपिंग करना ज़रूरी है तो बस उसी के और ये फर्नीचर बाइक की आवाज़ थी। तो थोड़ा क्रेजी स्टफ है ये ब्यूटीफुल जगह। मैंने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है बहुत अच्छी वैराइटीज़ की कोई कमी नहीं है। चंदन भी शॉप कर रहा है वो भी कर रहा है मैंने भी कि बहुत कुछ लेना है तो एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्केट बहुत कुछ खरीद रहे हैं तो स्लोली स्लोली दिख अमेजिंग। और ये कैमरे में मैं अपने आपको दिखाता हूँ। तो अभी भी हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं हमने बहुत सारी और अभी कितने ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटे होने जा रहे हैं अभी तक हम मार्केट में खाए। कल मस्त सज सज के निकलना क्योंकि कल है फुल डे हम हैं। यहाँ पर सही में मार्केट ना बहुत बड़ा।